ए स्टार बी ए माइनस बी और जेड प्लस, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं चेक करते। तो आप क्या कीजिए, कोई भी दो एलिमेंट जेड प्लस के वो होंगे 3.5 बिलोंग्स टू जेड प्लस होता है, तो जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें लगाता हूँ 3.5 इसके अंदर 3-5 कितना हुआ -2 दैट नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर ये ऑपरेशन जेड प्लस पे बाइनरी नहीं। क्या बात समझ आई? ठीक है, ऑपरेशन लगाने पे आपको जो भी एलिमेंट मिल रहा है वो उस सेट का नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट है ए बी स्क्वायर ऑन रियल नंबर, ऑन रियल नंबर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है चेक। अब देखो ये एक रियल नंबर है, ठीक है, ए या फिर मैं लेता हूँ कोई भी 2-3 ले लेते हैं, 2.3 या आप चाहो तो 1/3 2.5/3 ऐसा भी ले सकते, रियल नंबर लेना बिलोंग्स टू आर। अब इसमें लगाता हूँ 2.5/3 तो कितना हो जाएगा 2×25/3, क्या ये एक रियल नंबर है ना? इसका मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है a इंटू b इंटू बी, रियल नंबर इंटू रियल नंबर, रियल नंबर उसका फिर रियल नंबर के साथ प्रोडक्ट रियल नंबर, तो ए बी स्क्वायर हमेशा रियल नंबर ही होगा चाहे कुछ भी हो। अच्छा लास्ट है जेड प्लस पे ही है, जेड प्लस पे ही ए स्टार बी इक्वल्स टू ए, क्या ये फाइनली होगा? बिल्कुल होगा, आपको इस तरह ऑपरेशन करना क्या है, जो पहले लिख रहे हो वही आपका आउटपुट है, और जो पहले आप क्या लिखोगे, जो इंटीजर है पॉजिटिव वही तो लिखोगे, एलिमेंट कहाँ से निकालने हैं आपको, इसमें से, और इसमें से एलिमेंट जो निकलेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे और वही आपका आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्या बात समझ आ रही है? yes. ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव के लिए ए माइनस बी देखते हैं। फर्स्ट ऑन जेड ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये एक ऑपरेशन है इंटीजर से, आपसे पूछा है कम्यूटेटिव होगा ही नहीं, आप कोई एलिमेंट जेड कर लो वन ही वन बिलोंग्स टू जेड, तो वन स्टार टू वन माइनस टू माइनस वन और टू स्टार वन 2-1 इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव के लिए 1-2-3 बिलोंग्स टू जेड, 1 ऑपरेशन लगाना है, 2 ऑपरेशन लगाना है, 3 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 पहले इन दो में फिर इसके साथ, पहले इन दो में फिर इसके साथ, इसके अंदर 1-2 क्या बनेगा -1 और ये 3 -1 3, इन दोनों का डिफरेंस -1 -3 -4, ठीक है, इधर देखते हैं पहले इन दोनों का डिफरेंस 2-3 ये होगा -1, इन दोनों का डिफरेंस 2, दोनों इक्वल नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। नेक्स्ट है ए रेस टू बी, ए रेस टू बी के अंदर ए रहा एग्जांपल ए मिल लेते हैं जेड है ना, जेड प्लस है, जेड प्लस है, यही एग्जाम्पल ए रेस टू बी। तो देखिए क्या होगा, 3 स्टार 5 के अंदर 3 की पावर 5 और 5 स्टार 3 जो हो जाएगा 5 की पावर, ये दोनों इक्वल नहीं नहीं है, तो कम्यूटेटिव नहीं, ठीक है। इस तरह से एसोसिएटिव भी हम लोग चेक कर लेंगे, तो ये वाले सारे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और सी भी बन जाएगा, टेबल बना दोगे मिनिमम वाली। अब इसमें देखो फोर्थ के अंदर आपको टेबल दे रखी है ऑलरेडी, आपसे पूछा है इस टेबल को देखते हुए बताना है, 2 और 3 में बाइनरी ऑपरेशन लगाओ फिर 4 के साथ, और दूसरा है 3 और 4 में लगाओ फिर 2 के। सबसे पहले 2 देखो, कॉलम फर्स्ट कॉलम में 2 जहाँ लिखा हुआ है और फर्स्ट रो के अंदर 3 लिखा हुआ है, दोनों काम मीट कर रहे हैं 1 में, तो 1 मिला
अब फर्स्ट कॉलम का वन देखो और फर्स्ट रो का फोर देखो, वन तो क्या मिलेगा, वन टू स्टार थ्री स्टार फोर, ये आपको मिला वन। नेक्स्ट दूसरा, पहले थ्री स्टार फोर देखते हैं, फर्स्ट कॉलम थ्री और फर्स्ट रो के अंदर फोर देखो, दोनों का मीट कर रहे हैं वन है। फिर फर्स्ट कॉलम टू और फर्स्ट रो का वन देखो, वन है तो वो भी मिला वन। समझ आया, विच स्टार कॉम्यूटेटिव है, मेन डायगोनल तो देखो सिमेट्री है क्या डायगोनल के रिस्पेक्ट में, ये कॉम्यूटेटिव होगा। फिर कंप्यूट करना है टू स्टार थ्री एंड फोर स्टार फाइव, टू स्टार थ्री आ जाएगा वन, फोर स्टार फाइव आ जाएगा वन और वन स्टार वन आ जाएगा वन। क्लियर, समझ आया? देखो मैं सिक्स करवाता हूँ, सेवन आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है? सिक्स और सेवन में ज्यादा डिफरेंस नहीं। कौन बताएगा ये कॉम्पिटेटिव होगा? कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो वो थ्री कॉमा फाइव ले लिया, ठीक है, जो उसको नेचुरल नंबर है, तो थ्री स्टार फाइव इन दोनों का एलसीएम कितना, 15, और फाइव स्टार थ्री इन दोनों का एलसीएम 15, ये कॉम्पिटेटिव हुआ। एसोसिएटिव थ्री फाइव सेवन ले लो, थ्री फाइव सेवन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड थ्री स्टार फाइव स्टार सेवन पहले थ्री और फाइव का, थ्री और फाइव का एलसीएम 15, फिर 15 और सेवन का एलसीएम 105। अब इधर देखा, फाइव और सेवन का एलसीएम 35 और थ्री के साथ, थ्री और 35 का एलसीएम 105। कॉमन नहीं है ना, तो देखो क्या इक्वल है, नेगेटिव होगा। अब पहले 5 और 7 का कितना आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 और 7 का 35, 20 और 16 का 4 और 5 18 फाइव। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार, चलिए समझ में आया कैसे, आइडेंटिटी बताओ मुझे कि आपको ए और बी दो नंबर का एलसीएम। अब आपके सामने एक आइडेंटिटी है कि ए और ई का एलसीएम है वो ए आना चाहिए, तो ई क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, इक्वल और वन नेचुरल नंबर होता है, तो आइडेंटिटी तो आपको मिल गई, वन क्लियर है। अब नेक्स्ट इनवर्स, इनवर्स है ना, अब चेक करना है हमें कि इस ए का मैं किसके साथ ऑपरेशन करूं कि मुझे ई मिल जाए, मतलब वन मिल जाए, तो एलसीएम ऑफ ए एंड ए इक्वल टू वन, जब ये दोनों क्या होंगे, वन, ठीक है, वन एंड वन, तो सिर्फ वन का इनवर्स पॉसिबल, वन का इनवर्स वन होगा और वन का इनवर्स पॉसिबल, टू का इनवर्स हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। आप समझ आई, क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे हो जाएगा, एट है एलसीएम ऑफ ए एंड बी दिस कॉम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव दैट एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस पार्टिकुलर नेचुरल नंबर। अच्छा, एलसीएम है दो नंबर का एलसीएम और नेचुरल नंबर के अंदर लगा हुआ है, आइडेंटिटी होगा क्या, दो नंबर का एलसीएम ए कॉमा बी इन दोनों का एच सी एफ है वो ए के इक्वल होना चाहिए, होगा एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं होगा ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि टू, टू का किसके साथ एच सी एफ फाइंड करो कि मुझे टू ही मिले, फोर के साथ, सिक्स के साथ, एट के साथ,
और थ्री का थ्री के वन के वन कीपर है ना, तो फिक्स है नहीं अच्छा मुझे बताओ रेशनल नंबर में बोला है फर्स्ट वाला कम्यूटेटिव होगा नहीं होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होगा, छोड़ दीजिए हो सकता। दूसरा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो है ना, कम्यूटेटिव होगा। नेक्स्ट है ए प्लस ए बी और बी प्लस बी ए इक्वल नहीं होते। इसके एग्जांपल के लिए रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 और 1/3 ठीक है, 1/2 और 1/3 इन दोनों को ऑपरेशन में लगाते हैं। नंबर थ्री थ्री वाला देखो 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/3 ये हुआ 1/2 प्लस 1/6 और 3/6 प्लस 1/6 4/6 मतलब 2/3 ये 2/3 आया। मैं नंबर थ्री कर रहा हूँ और अब इसमें लगाओ 1/3 स्टार 1/2 और 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2 ये हुआ 1/3 प्लस 1/6 इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2/6 प्लस 1/6 3/6 1/2 एक आया 1/2 एक 2/3 दोनों इक्वल होते हैं तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। नाइन्थ का थर्ड नाइन्थ का थ्री वाला किया है मैंने, कम्यूटेटिव नहीं होगा, समझ आ रहा है। और नाइन्थ का फोर्थ बता सकते हो कम्यूटेटिव होगा, होगा स्क्वायर है ना। नाइन्थ का फिफ्थ वो नहीं होगा और नाइन्थ का सिक्स वो नहीं होगा, एक ए बी स्क्वायर है एक बी ए स्क्वायर। चलिए अब नाइन्थ का जो सिक्स फिफ्थ वाला और सिक्स वाला वो एसोसिएटिव चेक कर दो, एसोसिएटिव होगा नंबर रेशनल नंबर ए बी और सी बिलोंग टू रेशनल नंबर। अब यहां एसोसिएटिविटी चेक करें हम लोग, पहले ए स्टार बी करेंगे फिर स्टार सी करेंगे। ए स्टार बी का मतलब ए बी बाय फोर, देखो वो क्या रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट होके फोर से डिवाइड ठीक है। अब इसके साथ स्टार करूंगा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होके फोर से डिवाइड होगा ए बी सी बाय फोर और फिर इसको फोर से डिवाइड तो ए बी सी बाय 16। जब बात समझ आई अब हम ऐसा करते हैं बी और सी इसका और फिर उसका ए के साथ बी और सी का बी सी बाय फोर और ए के साथ स्टार हो जाएगा ए बी सी बाय फोर और डिवाइड बाय फोर तो ए बी सी बाय 16 हुआ तो एसोसिएटिव होगा। सिक्स वाला एसोसिएटिव भी चेक देखिए ए बी और सी ए स्टार बी स्टार सी फिर ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले ए स्टार बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, करना क्या है फर्स्ट वाला एच भी दूसरे का स्क्वायर करके प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट इसके साथ फर्स्ट वाला एच इट इज दूसरे का स्क्वायर करके ए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। इसमें क्या करना है फर्स्ट वाले का स्क्वायर दूसरे सॉरी एच डी दूसरे का स्क्वायर करना ये करना है और ए के साथ ऑपरेशन। अब क्या करना है फर्स्ट वाला तो एच डी लिखना है इसका स्क्वायर बी स्क्वायर सी टू दी पावर फोर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 10 के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है ना जितने भी पूछा है उसमें से किसकी आइडेंटिटी होगी अब तू बता बेटा फिफ्थ की होगी। हाँ देखा इधर उधर चले फिफ्थ की होगी वेरी गुड। इलेवन तो मैंने क्लास में करवाया आपको, चलो ट्वेल्थ और थर्टीन आप करो नहीं होता फिर मैं करता हूँ।
देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ये है ना। हाँ। अब देखना हम थ्री नंबर के लिए ए बी और सी पहले इन दोनों का करते हैं, ये बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। मतलब हम कर क्या रहे हैं, दोनों ही का क्यूब करके ऐड कर रहे हैं। हम इसका क्यूब करके ऐड करें, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका क्यूब प्लस सी क्यू, ठीक है। अब इसमें चेक करें ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी का मतलब बी क्यू प्लस सी क्यू, और ए के साथ इसका ऑपरेशन करें, इन दोनों का क्यूब करके और फिर प्लस कर दें। अब देखो इसमें सी की पावर सिर्फ थ्री आएगी और इसमें सी की पावर नाइन होगी, इसमें ए की पावर सिर्फ थ्री आएगी और इसमें ए की पावर नाइन, इक्वल नहीं है, नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा, इसमें सी की नहीं होगा। अब चलिए जवाब, मिसेलेनियस के अंदर बाइनरी ऑपरेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन वाला 14 1 4 14। देखो डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 से एल स्टार बी प्लस बी व्हेन सम इज 6। जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, ठीक है। चलो ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन टेबल बनाता हूँ, जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री फोर जीरो वन टू थ्री फोर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो मिसेलेनियस का। अब ये तो है बाइनरी ऑपरेशन, ये है 0 1 2 3 4 और 5, ये 0 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या कह रहा है, जब इन दोनों का सम करोगे वो 6 से लेस है तो आपको जो सम आ रहा है वही आपका होगा। अगर 6 से इक्वल या ग्रेटर हो जाए तो उन दोनों का सम करके उसमें से 6 माइनस करो, ठीक है। तो 0 प्लस 0 कितना होगा, डबल 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 3 4 और 5, यहाँ तक तो कोई नहीं है। 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 1 प्लस 6 0, है ना। क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है 6, जैसे 6 तक पहुँचो उनके सम में से 6 को माइनस करो, ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट 2 3 4 5 0 0 1 5 0 1 2 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3
है? नहीं है, अपन ने मना बोल दिया कि बने रहे हो कुछ नहीं। अच्छा सेट आपका है जो है 0 × 0 ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर जितनी भी ये एंट्रीज है वो सारी की सारी सेट किए तो बाइनरी ऑपरेशन है। अब पूछा गया वो देखो आइडेंटिटी 0 इसकी आइडेंटिटी है या नहीं है चेक करो। ये फर्स्ट रो ठीक है 0 इसकी आइडेंटिटी। दूसरा a प्लस 0 इक्वल टू a मिलेगा है ना इफ a इज लेस देन 6 और a तो लेस देन 6 होता ही है एक नंबर तो 6 से लेस होगा इसका है ना तो 0 आइडेंटिटी हो गई। अब इनवर्स के लिए चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी तो नहीं पूछा हां इनवर्स के लिए चलो देखो जहां जहां पे भी 0 होगा वो इसका इनवर्स होगा। 1 का इनवर्स 5 2
का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स 5, ठीक है। तो ये कह रहा है कि a का इनवर्स है वो 6 माइनस b होना चाहिए, तो सही। जैसे 1 का इनवर्स 5 है तो वो 6 माइनस 1 है, जैसे 2 का इनवर्स 4 है तो वो 6 माइनस 2 है, 3 का इनवर्स 3 है तो वो 6 माइनस 3, 4 का इनवर्स 2 है तो वो 6 माइनस 4 है, तो सही तो कह रहा है, हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और तो कोई नहीं है भाई, ले ऑप्शन नंबर तो मैं करवा चुका हूँ, 9th वाला तो सारे कर दिए। अब अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम लोगों ने नहीं किया हो, ठीक है। चलिए आप मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करना एग्जांपल के साथ, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ, ठीक है। अभी टाइम है 5 मिनट का, आप सॉल्व करो। स्टॉप।